इसलिए इस बात को सबसे पहले अपने जीवन से निकाल करके फेंक देना है। कौन सी बात को पता है? लोग क्या कह रहे हैं। सबसे पहले इस बात को निकाल करके दिमाग से अपने हटा देना है। लोग क्या कहेंगे इसको कभी जीवन में मत देख देना। जो लोग ये देखे आज तक कि लोग क्या कहेंगे, एक आपको पक्का उदाहरण बताएं। आज बड़े शहरों में चले जाओ तो बड़े घर की लड़कियां ये छोटे छोटे कपड़े पहन करके घूम रही हैं। तब वो नहीं सोचती हैं कि लोग क्या कहेंगे। वो तो नहीं सोच रही हैं कि लोग क्या कहेंगे। वो तो कहते हैं फैशन है, चलता है। आप भी तिलक लगाओ, कंठी पहनो, चुटिया रखो और कह दो ये चलता है, ये फैशन है। करो ना, क्या दिक्कत है? कह दो ना कि फैशन है, ये चलता है। देखना, जैसे वो लोग कहते कहते कि ये फैशन है, फैशन है, फैशन है, आज हमारे गांव, घर, मोहल्ले, गांव की लड़कियां भी वैसे ही चाल चलने लगी हैं। तो आप भी अगर तिलक कंठी लगाने लगोगे और ये कहने लगोगे कि ये फैशन है, फैशन है, फैशन है, तो देखना तुम्हारे गांव मोहल्ले में भी लोग इसको अपनाना शुरू करेंगे। कंठी पहनने लगेंगे, तिलक लगाने लगेंगे, चुटिया रखने लगेंगे। लेकिन आप ही अगर पीछे हट जाओगे ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना। वो कहेंगे ही कहेंगे, क्या कहेंगे? कुछ न कुछ बोलेंगे। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आपको क्या करना है? छोड़ो बेकार की बातें। आपके लिए वो सब बेकार की होनी चाहिए, वो सब बातें आपके लिए बेकार की होने चाहिए। इसलिए छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीतन जाए जीवन। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बेकार की बातों को छोड़ो, कहीं यही सुनते सुनते आपका पूरा जीवन न निकल जाए बिना भजन जाए। इतना सुंदर मनुष्य जन्म मिला, इतना सुंदर भगवान ने कितनी सुंदर बुद्धि दी, तन दिया सुंदर, मन दिया सुंदर, बुद्धि दी सुंदर, सब कुछ कितना सुंदर दिया। लेकिन इस सुंदरता का हम लोग लाभ उठा पा रहे हैं क्या? इस सुंदरता का हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। इसका सदुपयोग करो, हमेशा सुंदर वस्तुओं का कृष्ण के चरणों में दान करना चाहिए। जैसे किसान, बहुत सुंदर सिद्धांत, किसान देखे, किसान, आप लोग बहुत लोग सब्जी बोते होंगे, बोते हैं कि नहीं? सब्जी खेतों में सब्जी लगाते हैं, कुछ लोग व्यवसाय के लिए सब्जी लगाते हैं। जो बहुत अच्छी सब्जी होती है उसको उठा करके ले जाते हैं बाजार बेचने के लिए। जो सबसे अच्छी वस्तु होती है बाजार में ले जाते हैं बेचने के लिए, और वहां से अच्छा पैसा लाते हैं तो अच्छा परिवार चलता है। इस जीवन, इस तन में जो कुछ भी सुंदरता है, मन सुंदर है, तन सुंदर है, आंखें सुंदर है, कान, नाक, सब कुछ सुंदर है, बुद्धि सुंदर है, इन सुंदर वस्तुओं को यदि आप भगवान के चरणों में समर्पण कर देंगे तो वहां से भगवान का प्रेम आपको मिलेगा। वो प्रेम आपके इस हृदय के अंदर बैठे मन का पोषण करेगा, पोषण करेगा, और वो मन भगवान का हो जाएगा। पोषण होते होते वो मन भगवान का हो जाएगा।
और भगवान का जिस दिन हो गया मन, उस दिन फिर क्या चिंता। जिस दिन आपका मन मेरे ठाकुर का हो जाएगा ना, उस दिन आपके मुख से केवल एक ही बात निकलेगी, जानते हैं क्या? अरे श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे और हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। अरे हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। बस और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए दुरुपयोग मत करो, उसका सदुपयोग करो। भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करके गोविंद का प्रसाद खाओ, उनके नामों का स्मरण करो, उनके भक्तों से प्रेम करो, संत समागम करो, सत्संग करो, अपने बच्चों को सत मार्ग पर ले जाने का प्रयास करो, बुरी चीजों को छुड़ाओ और छोड़ो। हरि का आश्रय लो और लोगों को लेने के लिए प्रेरित करो, प्रेम जरूर प्रेरित करो।